Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. So without wasting any time, let's see what is in the news. The first article that we are discussing today, ये आपको पेज नंबर 1 पर देखने मिल जाएगा. इंपॉर्टेंट या रिलेवेंस किस पेपर से है, ये GS पेपर 2 से संबंधित है. गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेकर, इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर, या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं पॉलिसीज़ या जो पॉलिटिकल कंट्रीज़ जब आपस में मिलती हैं या कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ देखने मिलेगी. रिसेंटली हुआ क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मिलेंगे अपने ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट एंटोनी एल्बनीज़ से सिडनी में, जहाँ पर इनका बहुत ग्रैंड वेलकम देखने के लिए मिला. और यहीं पर बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट आए हैं, जहाँ पर इंडिया को फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड के नाम से भी पुकारा जा रहा है. इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है एग्जामिनेशन के लिए, हो सकता है आपको मेंस में कोई क्वेश्चन देखने मिल जाए जहाँ से इंडो ऑस्ट्रेलिया रिलेशन के बारे में आपसे सवाल आ सकता है, या प्रीलिम्स के लिए भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. जैसे फ्री ट्रेड पार्टनर्स जो हैं आशियान के, उसमें से कौन सी कंट्रीज़ का पार्ट है या कौन सी कंट्रीज़ का पार्ट नहीं है. तो चलिए समझ लेते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप्स के बारे में. अगर देखिए हम इसका एक हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट लेके चलें, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे प्री इंडिपेंडेंस एरा में. लेकिन जैसे ही आप देखेंगे एक पीरियड आ जाएगा कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया का, दैट वॉज द फर्स्ट opened as the trade office in Sydney in 1941. ठीक है, सो 1941 तक हमारे रिलेशन बहुत अच्छे रहे. लेकिन जैसे ही इंडिया 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट करवाएगा, यहाँ पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप में एक हिस्टोरिक लो आपको देखने के लिए मिलेगा. हालांकि 2014 एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होगा 1998 से 2014 का, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया साइन करेगा यूरेनियम सप्लाई डील विद इंडिया, जो कि अपने आप में पहली इस तरीके की कोई डील थी ऐसी कंट्री के साथ जो कि नॉन सिग्नेटरी है NPF का, विच इज़ दी न्यूक्लियर नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी. एंड एज यू ऑल नो, इंडिया ने यहाँ पर नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी पर साइन नहीं किया है. तो इसके कॉन्टेक्स्ट में आप समझ सकते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. चलिए आगे अगर हम बात करें तो देखिए आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया 17th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया के लिए, और वहीं पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर देखने मिलेगा. अगर हम इनके बायलेटरल ट्रेड की बात करें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी 2021 में $27.5 बिलियन का ट्रेड हमें देखने के लिए मिला है. और इस तरीके की पोटेंशियल माने जा रहे हैं कि अपकमिंग जो 5 ईयर्स होंगे लगभग 2025 तक, ये जो बायलेटरल ट्रेड है ये $50 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा. अब देखिए इन्हीं सारी चीज़ों को अपने ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हांस करने के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए दोनों कंट्रीज़ ने एग्रीमेंट साइन किए हैं. इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट 2022 में से साइन किया था, और साथ ही कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये दोनों एग्रीमेंट यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किए हुए हैं. दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर एम कर रहे हैं कि ये जो अपने बायलेटरल ट्रेड है इससे ये पहुँचाएंगे $100 बिलियन बाय 2030. अब देखिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप्स को हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर समझेंगे. सबसे पहले अगर हम डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो देखिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग इन्होंने कंडक्ट करी थी 2021 में. वहीं आप देखेंगे यहाँ पर म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, जिसे हम MLSA भी बोलते हैं, इसको साइन किया गया था एक वर्चुअल समिट के थ्रू, ताकि जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसे यहाँ पर इन्हेंस किया जा सके. इसी के अलावा इंडियन और ऑस्ट्रेलिया जो आर्मीज़ हैं वो बहुत सारी एक्सरसाइज कंडक्ट करती हैं, जैसे मालाबार एक्सरसाइज जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और US के बीच में कंडक्ट होती है. वहीं दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जहां पर इंडिया को इनवाइट किया गया था तालसीमान साबरे एक्सरसाइज को ज्वाइन करने के लिए. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो नेवीज़ हैं वो एक और एक्सरसाइज करती हैं ऑसेंडेक्स, यहाँ से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, सो डू नॉट फॉरगेट. नेक्स्ट इज़ दी ऑस्ट्रो हिंद, जो कि एक बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन दी आर्मीज.
इसी के अलावा देखिए, दोनों कंट्रीज़ की आप बात करेंगे तो ये क्वाड की मेंबर हैं, कॉमनवेल्थ इश्यूज़ को यहाँ पर शेयर करती हैं, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का ये पार्ट है, और साथ ही जैसा मैंने आपको बताया इन्होंने यूरेनियम सप्लाई डील को साइन किया है ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ 2014 में। इसी के अलावा अगर हम बात करें कुछ रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेशन की, तो दोनों कंट्रीज़ डिटरमाइन की हुई हैं कि ये रिलैक्सेशन देंगी, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में यहाँ पर काम करेंगी और ये क्लीन एनर्जी को यहाँ पर प्रमोट करने का काम करेंगी। इसी के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स को पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ को यहाँ पर देगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। वहीं बोथ द कंट्रीज़ कमिटेड टू द USD 5.8 मिलियन टू दी 3 ईयर्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। वहीं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आप देखेंगे सो ऑस्ट्रेलिया का जो स्पेस एजेंसी है विच इज़ दी ASA और इसरो, इन दोनों के बीच में भी एक म्यूचुअल स्पेस कोऑपरेशन यहाँ पर साइन किया गया है, जहाँ पर शेयर्ड विजन लाइक फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक को लेकर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हुए इंटरनेशनल लॉस को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस यहाँ पर लिए जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट आपको यहाँ पर क्या याद रखने की ज़रूरत है, देखिए सिर्फ कोई भी कंट्री सिर्फ बायलैटरल ट्रेड के थ्रू आगे नहीं बढ़ सकती, देयर शुड बी आप देखेंगे पीपल टू पीपल टाई यहाँ पर होना चाहिए। इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप सोर्सेज ऑफ स्किल्ड इमिग्रेंट टू ऑस्ट्रेलिया। आप समझिए ऑस्ट्रेलियन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा जाते हैं। अगर हम 2021 के सेंसस के हिसाब से बात करें तो लगभग 9.76 लाख जो लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में, दे रिपोर्टेड देयर एंसेस्ट्री एज द इंडियन ओरिजिन। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ऑस्ट्रेलिया में जो सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है ओवरसीज बॉर्न का, वो आपको इंडियन ओरिजिन देखने के लिए मिल जाएंगे। सो दीज आर द फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जहाँ पर बात की जा रही है द पैराडॉक्स ऑफ ब्रिक्स एंड इट्स न्यू पाथवे। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस आर्टिकल, लेट्स सी ब्रिक्स आखिर है क्या। देखिए जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5 ये पांच आपको नेशंस यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। ब्राज़ील यू विल फाइंड हियर, इंडिया, रशिया, चाइना एंड दी साउथ अफ्रीका, ये सारी जगह आपको देखने के लिए मिल जाएंगी ब्रिक्स नेशन में। साउथ अफ्रीका सबसे लेटेस्ट एंट्री है और उसी के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो जाएगा। अब देखिए ये जो टर्म है ब्रिक का, इसको क्वाइन किया गया था बाय दी जिम ओ'नील ऑफ गोल्डमैन सॉशवे इन 2001। क्यों किया गया था, क्योंकि देखिए इन ये जो व्यक्ति थे इनका एक प्रडिक्शन था कि 2050 तक आप देखेंगे तो ये जो कंट्री हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पर अभी आपको साउथ अफ्रीका नहीं दिखाई देगा, ये एक बिगर इकोनॉमी बन के आ जाएंगी और सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल हब बनकर यहाँ पर ये निकलेंगी और आगे आने वाले 300 सालों में ये डॉलर को कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज कर देंगी एंड दे बिकेम दी पावर डायनेमिक ऑफ दी वर्ल्ड। और इसी के साथ आप देखेंगे सबसे पहली बार ब्रिक्स की समिट यहाँ पर होगी 2009 में रशिया में, इसको कंडक्ट कराया जाएगा। 2010 का वो टाइम रहेगा जब साउथ अफ्रीका फाइनली इसका पार्ट बनेगा, इसको ज्वाइन करेगा और ये बन जाएगा ब्रिक्स। अब ब्रिक्स की अगर हम चेयरमैनशिप की बात करें तो देखिए ये रोटेशन फार्मूला पे चलती है, एनुअली होती है, जैसे कंट्रीज़ के नेम है जो अकॉर्डेंस है जो एक्रोनम है उसके हिसाब से लाइक BRICS उसके हिसाब से ये रोटेशन आपको देखने के लिए मिलेगा और इसी के हिसाब से इंडिया के पास चेयरमैनशिप आई थी 2021 में। अब देखिए हम जब ब्रिक्स नेशन की बात करते हैं तो इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है, अगर आप पूरे वर्ल्ड को देख लो तो ये सिर्फ 6 कंट्री हैं जहां पर आपको 42% पॉपुलेशन देखने मिल जाएगा। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 42% आपको कहां देखने मिलेगा, ब्रिक्स में। वहीं पूरी दुनिया की जो GDP है उसका 23% इन कंट्रीज से आता है, वर्ल्ड ट्रेड का 17% आप देखेंगे इन्हीं 6 कंट्री से आ जाएगा, जो लगभग पूरी दुनिया का जितना भी लैंड है जिसको ओन किया गया है उसका 26% भाग इन कंट्रीज ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पर ओन किया गया है। और यहीं पर अगर आप इनकी वोटिंग पावर की बात करें तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इनकी जो वोटिंग पावर है विच इज़ 13.2%। सो दे आर एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द ब्रिक्स नेशन। अब
देखिए, अगर हम आगे बात करें कि ब्रिक्स की इनिशिएटिव क्या है, तो ब्रिक्स ने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस यहाँ पे लिए हैं. सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो इनका था, दैट इज़ द न्यू डेवलपमेंट बैंक. देखिए, सिक्स्थ ब्रिक्स समिट के टाइम पे जो फोर्टलेजा ब्राज़ील में हुई थी 2014 में, जितने भी लीडर्स थे इन्होंने एक एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया और इस्टेब्लिश किया न्यू डेवलपमेंट बैंक को, जिसको जो आपको देखने मिलेगा कहाँ पर, शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है. सो फार अगर हम बात करें तो इट हैज़ अप्रूव 70 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. ठीक है, कहाँ पर, इन्हीं ब्रिक्स नेशन में. तो अब कहीं ना कहीं एक जो डिपेंडेंसी है जो आपको वर्ल्ड बैंक की तरफ देखने मिल रही थी, वो इन नेशंस ने अपने लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाकर उसको लगभग उस कमी को यहाँ पर पूरा कर लिया है. आगे अगर हम बात करें तो देखिए, ये फ्रॉस्टेला डिक्लेरेशन को आप याद रखेंगे, इट इज़ एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि फ्रॉस्टेला डिक्लेरेशन का संबंध किससे है, तो यही वो सिक्स्थ समिट है जहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया था. न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो 2016 का वो टाइम है जब ये कम्प्लीटली कहाँ पर आ चुका था आपका, 2014 में बनने के बाद 2016 में ये कम्प्लीटली वर्क यहाँ पर करना काम चालू कर देगा. अगर हम इनके की एरियाज ऑफ कॉरपोरेशन की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट कहाँ कहाँ काम करेगा, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जैसे क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल एंड अर्बन डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करेगा, और इसी तरीके की जितने इनिशिएटिव आपको देखने मिलेंगे लाइक एग्रीकल्चर, इरीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर दी ब्रिक्स मेंबर, वहाँ पर ये आपको काम करता हुआ दिखाई देगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 2014 में ही ब्रिक्स गवर्नमेंट ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया ब्रिक्स कंटिंजेंट रिजर्व एक अरेंजमेंट, विच इज़ दी सीआरए फ्रेमवर्क को यहाँ पर लिया गया. क्यों? देखिए, एक इमर्जिंग इकोनॉमी जो होती है वो एक्सपीरियंस करती है रैपिड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और बहुत सारे इकोनॉमिक वोलेटिलिटी से यहाँ पर वो सफ़र करती है. बहुत सारे माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के चेंजेस होते हैं जो अनसर्टेन होते हैं. ऐसी कंडीशन में सीआरए को यहाँ पर अनाउंस किया गया. ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इसे एक तरीके से IMF के कॉम्पिटिटर के रूप में देखा जाता है. जैसे ही ये यहाँ पर आएगा तो जो छोटे छोटे लोन्स हैं जहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत होगी, वो ये काम यहाँ पर कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनका आ जाएगा ब्रिक्स का पेमेंट सिस्टम. स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम की हम बात कर लेंगे, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था जब आपने रशिया यूक्रेन का यहाँ पर वॉर देखा. सो ब्रिक्स कंट्री व्हाट दे डिसाइडेड, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट देयर ओन पेमेंट सिस्टम. एक तरीके से ऑल्टरनेट यहां पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है फॉर द डॉलर एंड द डॉलर सिस्टम. और इसी के साथ आप देखेंगे एक सिस्टम निकल कर आएगा विच इज नोन एज द स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम. ठीक है, अभी तक की डेट में जो जब रशिया के ऊपर यहाँ पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए थे पोस्ट वॉर यूक्रेन के टाइम पर, क्या किया गया था, जो स्विफ्ट है यहाँ पर इसको फ्रोजन आउट किया गया था. यहाँ पर रशिया को फ्रोज आउट कर दिया गया था स्विफ्ट से, इसको मतलब यहाँ पर निकाल के रख देंगे. ठीक है, इसी के अलावा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को यहाँ पर भेजने के लिए भी इन्होंने कोलैबोरेशन किया. ब्रिक्स के अगर हम कुछ प्रपोज्ड इनिशिएटिव्स की बात करें तो इन्होंने देखिए एक रिजर्व करेंसी का जो फॉर्मेट है जहाँ पर आपको US डॉलर यहाँ दिखाई देता है उसको ख़त्म करने की जगह ब्रिक्स की करेंसी को एज ए रिजर्व करेंसी रखने के लिए एक इनिशिएटिव यहाँ पर लिया हुआ है. अगर हम ब्रिक्स के पेमेंट सिस्टम की बात करें तो दैट यू ऑलरेडी हैव सीन कि स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम यहाँ पर आ चुका है. इसके अलावा ब्रिक्स अपनी खुद की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को लाने की बात कर रहा है और ये साथ में सबमरीन केबल सिस्टम को डेवलप करने के लिए बात कर रहा है, ताकि जो कनेक्टिविटी है इन नेशंस के बीच में वो बहुत क्लियर हो सके और किसी पर डिपेंडेंसी नहीं रहे. अब अगर हम राइटर जो यहाँ पर आर्टिकल आपकी बात कर रहा था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो व्हाट इट इज़ सेइंग कि एक मल्टीलेटरल ग्रुपिंग यूजुअली क्या करते हैं, ये प्रॉस्पर होते हैं अपने अलग अलग वेज में. जैसे आप नाम की बात कर लें, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर G77 की बात कर लें, SAC की बात कर लें, लेकिन अगर हम ब्रिक्स की कंडीशन की बात करें तो बाकी कोई भी अगर आप मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स को देख लीजिए वहाँ पर ब्रिक्स एक
अनोखा निकल कर आता है, जिसके जो डेवलपमेंट हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इनिशिएटिव हैं, दे आर एक्सट्रीमली वेरी रिमार्केबल. बहुत सारी अचीवमेंट है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कोविड 19 के टाइम पर, यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर, कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप है इसने अपना एक जो इसकी खासियत है उसको यहाँ पर खोया. लेकिन अगेन वॉट ब्रिक्स इज डूइंग, अभी भी ब्रिक्स इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और ब्रिक्स का जो पैराडॉक्स है उसको मेंटेन करने की बात यहाँ पर करता हुआ नज़र आ रहा है. चलिए आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए आपको फर्स्ट डिकेट और सेकंड डिकेट में एक डिफरेंस देखने मिलेगा, वेर यू विल फाइंड आउट कि कहीं ना कहीं जो इप्सा है विच इज़ ब्राज़ील रशिया सॉरी विच इज़ इंडिया ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, इन्होंने एक 2003 में एक यहाँ पर ग्रुपिंग क्रिएट करी थी, बट दे कुड नॉट गेट अलोंग. लगभग 2011 तक ये पूरी कंडीशन सही देखने मिलेगी, जब तक चाइना इसमें इंटरवीन नहीं करता है. और इसी के बाद ये धीरे 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 इप्सा जो है ये साइडलाइन होने लगा और ब्रिक्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन लेकर बाहर आएगा. आज के डेट में अगर हम बात करें तो इसकी जियो पोलिटिकल स्ट्रेंथ देखते हुए, इकोनॉमिकल डायमेंशन देखते हुए, सो मैनी कंट्रीज आर ईगर एंड वेटिंग कि इसको क्या किया जाए, लोग इसको पार्ट बना ले, इसके ये मेंबर्स यहाँ पर दिख जाए. आज के डेट में अगर हम बात करें तो लगभग 19 कंट्री आपको लाइन में दिखाई देंगी जो ब्रिक्स की मेंबरशिप ज्वाइन करने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें से लगभग लैटिन अमेरिका की 4 कंट्रीज आपको देखने मिल जाएंगी, अफ्रीका की 5, एशिया की 10 कंट्रीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें सऊदी अरेबिया, UAE, टर्की, सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज आपको देखने के लिए मिलेगी. सो दिस इज अबाउट दी ब्रिक्स, इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स रोल. इसमें से कोई भी चीज़ है जो आपके एग्जामिनेशंस में आ सकती है उसको हमने पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश यहां पर की है. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल. चलिए नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट विद द GS पेपर 2 एंड GS पेपर 3, जहां पर इंटर स्टेट रिलेशन और वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात की जा रही है. देखिए वापस से जो आंध्र प्रदेश का और तेलंगाना का डिस्प्यूट है, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, एज ओल्ड डिस्प्यूट हो चुका है, बार बार ये न्यूज़ में रहता है, तो ये टाइम है कि हमें इसे यहाँ पर रिकॉल कर लेना चाहिए. अगर हम बात करें कि ये डिस्प्यूट आखिर है क्या या ये कितना पुराना है, तो इसके ओरिजिन को अगर आप ट्रेस करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको देखने मिलेगा 1996 में. ठीक है, 1996 के भी पहले आप देखिए ये जो पूरा डिस्प्यूट है, जैसे ये आंध्र प्रदेश बनेगा नवंबर 1956 में, ये यहाँ पर निकल कर आ जाएगा विवाद. क्योंकि बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द आंध्र प्रदेश आप देखेंगे जो लीडर्स थे अलग अलग रीजन से आंध्रा के, इंक्लूडिंग जो रायलसीमा का जो क्षेत्र है या तेलंगाना का जो क्षेत्र है, उन्होंने एक जेंटलमैंस एग्रीमेंट साइन किया था यहाँ पर 1956 में. ठीक है, हुआ क्या, बाकी जो लीडर्स होंगे, वन ऑफ द प्रोविजन जो इस एग्रीमेंट का आपको देखने मिलेगा वो था कि ये प्रोटेक्ट करेंगे तेलंगाना के इंटरेस्ट को और जो भी नीड है रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एंड स्पेशली विद द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्स विद द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको इस ट्रीटी या जो हम जेंटलमैन ट्रीटी की बात कर रहे हैं इसमें यहाँ पर इसको इंक्लूड किया गया था. अब देखिए आगे होगा क्या, 1969 कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल यहाँ पर बनाया गया. लगातार लड़ाइयाँ चल रही थी जिसकी वजह से आप देखेंगे इसको सेटअप किया गया इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत, और इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1973 में यहाँ पर जमा कर दी. अब एट द सेम टाइम इट वॉज स्टिप्यूलेटेड जो KWDT है आपका कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, उसने ऑर्डर किया कि मे बी रिव्यूड और रिवाइज्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द ट्रिब्यूनल एनी टाइम आफ्टर 31 मे. अब ट्रिब्यूनल ने यहाँ पर क्या बोला था कि देखिए ये जो एलोकेशन है वाटर का ये लगभग 811 TMCFT पर डिपेंड करेगा. जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने लेटर इसको क्या करा, अप्रोप्रिएट करा कि 512 का रेशो यहाँ पर देखने मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश और रायलसीमा और कृष्णा बेसिन के क्षेत्र में, और इसी की वजह से ये पूरा विवाद बाद में देखने मिलेगा. रिजल्टेड इन टू वॉट, सेकेंड KWDT को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया 2004 में. इसने यहाँ पर अगेन रिपोर्ट दी कि जो एलोकेशन है कृष्णा वाटर का दैट इज 65% डिपेंडेबिलिटी एंड ऑफ सरप्लस फ्लो, जितना भी 65% से जो यहाँ के लोग हैं उनकी जो आवश्यकता है विच इज़ दी 65%, और उससे ज़्यादा जो भी यहाँ पर सरप्लस होगा वो कैसा आपको देखने मिलेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किन किन के बीच में. देखिए 81 TMC यहाँ पर जाएगा महाराष्ट्र के पास,
177 टीएमसी जाएगा कर्नाटका के पास और जो 190 टीएमसी है वो जाएगा आंध्र प्रदेश के पास। 2010 की रिपोर्ट के बाद एक स्पेशल आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको एक स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में से चैलेंज करा। अगेन 2013 में केडब्ल्यूडीटी के जो इशू आए, जो रिपोर्ट आई, जो फर्दर यहाँ पर देखने मिली, फिर से ये एक रिपोर्ट यहाँ सबमिट करेंगे। और सेम हैपेंड कि 2011 के बाद 2014 में फिर से इसको चैलेंज कर दिया जाएगा कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। अब अगर हम बात करें तो जैसे ही क्रिएशन हो जाएगा तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश ने बोला कि भाई तेलंगाना भी इंक्लूडेड एज दी सेपरेट पार्टी एज दी केडब्ल्यूडीटी। और जो अलोकेशन है कृष्णा वाटर का, जो अभी इस तरीके से हो रहा था महाराष्ट्र कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में, अब वहाँ पर तेलंगाना भी एक पार्टी बनकर निकल के आता है। सो नाउ देयर आर नॉट ओनली थ्री स्टेट एज पर दी केडब्ल्यूडीटी जो सबसे पहली बार हुई थी, नाउ देयर आर फोर स्टेट्स। ठीक है, तो इसकी वजह से आप देखेंगे ये जो पूरा सिचुएशन है ये बार बार हमें देखने के लिए मिलती रहती है। अब देखिए, अगर हम वाटर की बात करें या इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात करें, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे जो वाटर है ये आपको स्टेट का सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाता है। यस, वाटर इज़ द स्टेट सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से। एंड द नेशनल गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या होता है, दे आर अलाउड टू इंटरवीन इन द केस ऑफ इंटर स्टेट रिवर टू एक्सटेंट दैट इज टू डिक्लेयर बाय द पार्लियामेंट टू बी सिचुएशन इन द पब्लिक इंटरेस्ट। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको दो आर्टिकल देखने होंगे, विच इज़ द आर्टिकल 262 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 262 क्लॉज 2। क्लॉज 1 यहाँ पर क्या बोलता है कि पार्लियामेंट कोई भी यहाँ पर लॉ बना सकती है या कोई भी जो एडजिस्डिक्शन होते हैं, अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट यहाँ पर अराइज होता है, कोई कंप्लेंट यहाँ पर अराइज होती है डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल को लेकर वाटर बॉडीज़ के बीच में, इंटर स्टेट रिवर या रिवर वैलीज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम होगी, तो आर्टिकल 262 क्लॉज 1 यहाँ पर पार्लियामेंट को पावर दे देगा कि वो क्या करेंगे, इसमें कोई डिसीजन सुना सकते हैं। वहीं आर्टिकल 262 क्लॉज 2 यहाँ पर क्या बोलेगा कि जो भी चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट लॉ के तहत क्या करेगा, इस पर डिसीजन लेगा। जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं वाटर की अगर हम बात करें, तो वाटर का जो सब्जेक्ट मैटर है विच इज़ दी एंट्री नंबर 17। एंट्री नंबर 17 में यहाँ पर क्या होगा, वाटर रिसोर्सेज को इंक्लूड किया गया है, याद रखिएगा, इरीगेशन को इंक्लूड किया गया है, कैनाल्स, ड्रेनेज, ओक रिजर्वायर, हाइड्रो पावर, इन सारी चीज़ों को एंट्री नंबर 17 में डाला जाता है जो कि स्टेट लिस्ट का पार्ट होती है। तो ये सारी जो कंडीशन है ये आपको याद रखनी है, क्या डिस्प्यूट्स हैं, क्या इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 क्या बोलता है। फिर उसके अलावा आप एक और बिल यहाँ पर याद रख सकते हैं, विच इज़ द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2019। इसकी ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, सिर्फ आप इतना याद रखिएगा जो यूजुअली मेंस प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस कमीशन की रिपोर्ट पर यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आप देखेंगे सरकारिया कमीशन। ठीक है, सरकारिया कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इसको जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल है वो यहाँ पर लाया गया था। अगर ये इनैक्ट हो जाता है तो इट वुड मेक इट मैंडेटरी फॉर द सेंटर टू कॉन्स्टिट्यूट अ ट्रिब्यूनल ऑन स्टेट रिक्वेस्ट या फिर सुओ मोटो कॉग्निजेंस के तहत यहाँ पर क्या किया जाएगा, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ आपको एक इमेज दिखाई दे रही है स्क्रीन पर जो की बात कर रही है कैल्प फॉरेस्ट की। ठीक है, ये कहाँ का इमेज है, साउथ ऑफ सैंटियागो चिली के आसपास आपको ये देखने मिलेगा। सो एक बहुत ब्यूटीफुल सा इमेज आपको देखने मिल रहा है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि व्हाट आर दी कैल्प फॉरेस्ट। देखिए, जब हम कैल्प फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये अंडर वाटर इकोसिस्टम होते हैं जो यूजुअली शैलो वाटर बॉडी में आपको दिखाई देंगे। इनकी जो ग्रोथ है ये बहुत ही ज़्यादा डेंस होती है और अलग अलग क्षेत्रों में ये आपको दिखाई देते हैं। कोल्ड एरिया में रहना ये पसंद करते हैं, न्यूट्रिएंट रिच वाटर जहाँ पर होता है वहाँ ये आपको दिखाई देंगे। यूजुअली जो सी फ्लोर होता है उसके आसपास ये आपको ग्रो होते हुए नज़र आएंगे। कारण क्यों, क्योंकि सी फ्लोर के पास का वो क्षेत्र होता है जहाँ इन्हें एक प्रॉपर सनलाइट मिल सकती है, जिसके वजह से ये फूड यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द फूड दे जनरेट दी एनर्जी। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे, हमेशा याद रखिए कि कोस्टल एरिया, शैलो वाटर
रिलेटिवली क्लीन वाटर, न्यूट्रिएंट रिच वाटर इनकी खासियत होती है जहाँ पर ये पाए जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डेंस फॉरेस्ट क्रिएट कर देते हैं अंडर वाटर, इसीलिए थाउजेंड ऑफ स्पीशीज़ होते हैं या इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, फिशेस जो होती हैं, एल्गी जो होती हैं, उनके लिए एक घर प्रोवाइड करते हैं और इकोलॉजिकल सिस्टम में एक बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं। अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वर्ल्ड में जो मेजर कैल्प फॉरेस्ट हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे मैप में। वहीं आर्कटिक के आसपास आप देखेंगे, कैनेडियन आर्कटिक के पास लगभग 10% ये आपको देखने मिल जाएंगे। उसके अलावा दूसरे दूसरे क्षेत्र हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, लाइक दी बेफन बे, हडसन बे, ऐसी जगह पर आपको कैल्प फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम इनकी सिग्निफिकेंस वैल्यू की बात करें तो देखिए, सबसे पहले ये प्रोड्यूस करते हैं 60% ऑफ द कार्बन जो कि कोस्टल इन्वर्टिब्रेट में पाया जाता है। वहीं ये एक पर्टिनेंट फूड सोर्स बन जाते हैं मरीन क्रिएचर्स के लिए, एक शेल्टर यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, हैबिटेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर द बर्ड्स ऑफ द फॉरेज या जितने भी मरीन एनिमल्स होते हैं उनके लिए। Also, they release the carbon into the coastal ecology, जिसकी वजह से जो productivity है coastal ecology की वो यहाँ पर बढ़ती है, नए biomasses create होते हैं, दूसरे material जिनको produce करने के लिए या primary production के लिए कहीं ना कहीं carbon की आवश्यकता होती है, उसका fulfillment भी कौन करता है, kelp forest यहाँ पर करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारे आर्टिकल क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही इस लेक्चर सीरीज़ का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस दी सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, लिंक्स आर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू एंड सी यू टुमारो।